नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का YouTube के हमारे चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पंचायती राज विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी छात्र पंचायती राज विभाग के जो अकाउंटेंट कॉम IT असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई थी, अगर फिलअप किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये हर उन स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए महत्वपूर्ण है जो कि इसका फॉर्म फिलअप किए हैं। इसका लेटेस्ट न्यूज आ चुका है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, और फिर से एक बार पूरा डिटेल्स में आपको एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं, ये देखिए, संविदा पर लेखापाल सह IT सहायक एवं तकनीकी सहायक के नियुक्ति संबंधी लेटेस्ट सूचना, इस पर हम क्लिक करके चलते हैं। ये देखिए, फर्स्ट यहाँ पर देखिए तो आपको दावा आपत्ति कर सूचना यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज आया है। उसके साथ ही दावा आपत्ति आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है 5 अक्टूबर 2018, बहुत ही कम समय दिया गया है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे आप ज़रूर चेक करें। ये देखिए, यह जो छात्र रजिस्टर्ड हुए हैं या जिनका मिसिंग हो गया है, अपना जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं दावा आपत्ति, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, लेखापाल IT सहायक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दायर समय महत्वपूर्ण सूचना क्या आया है। देखिए, दिनांक 28/8/2018 से 27/9 तक योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। इसमें ड्यूली रजिस्टर्ड एंड नॉट ड्यूली रजिस्टर्ड, यहाँ देखिए, जो कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको ड्यूली रजिस्टर्ड, और जो कि रजिस्टर्ड इसमें नहीं हो पाया वह नॉट ड्यूली रजिस्टर्ड में है। सूची अलग अलग है, दो अलग अलग लिस्ट बनाया गया है। नॉट ड्यूली रजिस्टर्ड श्रेणी के आवेदकों को इस स्टेज के आगे के विचार योग्य नहीं माना जाएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें विभाग ने कह दी है कि जिनका भी फार्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है, या किसी कारणों से उनका छोड़, जो भी मिसिंग किए हैं फार्म फिलअप के, उनका अगर हो गया है तो उनको फिर से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। साफ लिखा है विचार योग्य श्रेणी का, तो इस स्टेज के आगे विचार योग्य नहीं माना जाएगा। पंजीकृत अभ्यर्थी ओनली रजिस्टर्ड, जो कि ड्यूली रजिस्टर्ड में है, ठीक है, को दिनांक 28/9 से 5/10, ये देखिए, ओनली वही कैंडिडेट दावा और आपत्ति जो है कर सकते हैं, जो कि क्या है, पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है इसमें। कब से, तो 28/9/2018 से 5/2018 तक ऑनलाइन आपत्ति दावा विभागीय वेबसाइट पर करने की सुविधा प्रदान की गई है। मिसिंग हुआ है 28/9 से अपडेट हुआ है, 28/9 से ही अपडेट है, सही है। 5/10 तक लेटेस्ट, बहुत ही कम, 28/30, मात्र 7 डेज दिया गया है। विभागीय वेबसाइट PRDBH पर लॉग कर सुविधा प्रदान की गई। इच्छुक अभ्यर्थी इस अवधि में दावा आपत्ति दायर कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं दावा आपत्ति जो दर्ज करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है।
ये देखिए दावा आपत्ति करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पोस्ट है जो भी है सिलेक्ट करना है, नेम इसके साथ यूजर आईडी करना है, एप्लीकेशन आईडी है उसको भरना है, ईमेल आईडी जो है, मोबाइल नंबर जो है उसको फिलअप करना है। ये आपको कोड यहाँ पे जो है दिया फिलअप करना है, आपका जो भी क्यूरी है यहाँ पे लिखना है। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते, देखिए विच एप्लीकेशन यहाँ पे आप जेपीजी फाइल में जो भी है पीडीएफ फाइल में अपलोड करना था अपलोड कर सकते हैं, जो क्यूरी है आप बता सकते हैं। फिर से मैक्सिमम 250 से 400 के, ठीक है, यहाँ आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये तो आपका हो गया दावा आपत्ति के लिए। अब देखिए, अब हर अब ये हर कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि क्या करें, हमारा एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, इसके लिए कैसे चेक करें। इसके लिए आप कहीं नहीं कुछ करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए ड्यूली एंड अनड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा लिंक दिया गया, देखिए 4-5 लिंक। फर्स्ट है लिस्ट ऑफ ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, लिंक फर्स्ट लिस्ट ऑफ ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनका लिंक 1 और लिंक 2 में दिया गया है, जो कि सेम ही है, मतलब इसका सर्वर डाउन ना हो इसके लिए 2 लिंक बनाया गया है, ठीक है, आप किसी लिंक से चेक कर सकते हैं। और सेकंड में दिया गया लिस्ट ऑफ नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ नॉन ड्यूली, जो भी नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो इसमें चेक कर सकते हैं, ये डिपार्टमेंटल लॉग है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट तो हम अपना ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट में ही चेक करेंगे, ठीक है, अगर इसमें नहीं मिलता है तो आप नॉन ड्यूली में रजिस्टर्ड चेक करें, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, क्लिक करते हैं लिस्ट ऑफ ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, हाउ टू चेक, देखिए चेक करना है कैसे करना है, आपको चेक करना भी बहुत आसान है। ये देखिए सेलेक्ट नेम ऑफ पोस्ट, आपको जो भी पोस्ट है आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है वो अप्लाई करना है, कौन सी कैटेगरी है आपको करना है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे तो आप अपना लिस्ट दे सकते हैं। सपोज दैट हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहे हैं किसी का, ठीक है, आपने सपोज दैट अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के लिए फिलअप किया या टेक्निक कोई भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो हम आपको अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट को दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक किए, फिलअप किए, नेक्स्ट आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में हमने अप्लाई किया, किसी जो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ अररिया हमने क्लिक किया, अररिया, अब उसके बाद कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप जनरल सपोज आते हैं तो जनरल में क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए व्यू लिस्ट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारे लिस्ट खुल गए यहाँ पे, देखिए ये देखिए अल्फाबेटिकल दिया गया है, ए से बी से ऐसे दिया गया, आपका एप्लीकेंट नेम दिया गया यहाँ पे, फादर्स नेम दिया, आप चेक कर ले अपना जन्मतिथि, चेक कर ले डेट ऑफ बर्थ, आपका में जेंडर क्या चेक कर ले और कैटेगरी क्या है चेक कर ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आप ये चेक कर ले आपका, अगर ये सभी सही है तब कोई बात नहीं है। अगर फॉर्म फिलअप करते समय कोई आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है और इसमें अगर आपका ड्यूली रजिस्टर्ड में है तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका उस समय भी सब सही है था और इस समय भी सही है तो आप दावा और आपत्ति नहीं कीजिए, ठीक है, आपका जो है एप्लीकेशन रजिस्टर्ड माना जाएगा। दावा और आपत्ति सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि मिसिंग किए हैं और उनका नाम ड्यूली रजिस्टर्ड में आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये अल्फाबेटिकल यहाँ पर दिया गया सबका, देखो ए से दिया गया है, ए बी सी आप देख सकते हैं,
यहाँ पे देखिए टू पेज बनाया गया यहाँ पे, वन और टू, ठीक है, आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका नाम है। चेक करने के लिए आपको वहीं करना करना, यह नहीं कि हमने ये फॉर आपको एग्जांपल के लिए दिखाया गया है। आपका जो पोस्ट है आप अपना पोस्ट सेलेक्ट कीजिए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट अप्लाई किया वो सेलेक्ट कीजिए, आपने जो कैटेगरी अप्लाई किया वो सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे अपना लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इसमें है और आपने फॉर्म फिलअप सही किया है, कोई भी आपका मिसिंग नहीं है, सब डाटा आपका सही है, तो आप क्लेम नहीं कीजिए, ठीक है, धावर आपत्ति नहीं। लेकिन जिनका अगर कुछ लगता है कि एरर कर दिए हैं फॉर्म फिलअप के समय, या अभी भी हमारा जो है नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ कोई इशू आ रहा है, तो उसको आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये तो बात हुआ लिस्ट ऑफ ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इनके लिए तो अच्छा है कि इनका सरकार ने रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन जो नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, उनके लिए बहुत ही निराशा है कि सरकार ने उनको दोबारा मौका नहीं दिया। चलते हैं उनके लिए क्या समाधान है देखते हैं। अब देखिए ये आप दोनों लिंक से अपना इसमें चेक कर सकते हैं, किसी भी कोई में लिस्ट ऑफ नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट आप अपना इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपका लिस्ट ड्यूली रजिस्टर्ड में नहीं है, ठीक है, इसके लिए आप नॉन ड्यूली को क्लिक करें। इसका भी सेम वही प्रोसेस है, आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ड्यू लिस्ट पर देखेंगे। करने के लिए दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अकाउंटेंट कमोडिटी असिस्टेंट के लिए देखिए, सपोज दैट आपका जो पोस्ट है सिलेक्ट करिए, हमारे में इजी लग रहा है तो हम इजी फर्स्ट भी कर रहे हैं, अरवल है तरवल ठीक करना है, कैटेगरी जनरल है, यहाँ देखिए व्यू लिस्ट, ये देखिए इसमें भी अल्फाबेट सेट किया गया है, ठीक है, सारे लिस्ट दिया गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपका इसमें लिस्ट है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका दो ही ऑप्शन नहीं हो सकता है, या तो ड्यूली में नहीं तो नॉन ड्यूली में। अगर आपका ड्यूली में है तो आपको एक चांस मिला और आप आगे की प्रक्रिया में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन ड्यूली में आ गए तो आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अब यह इसमें देखते हैं, ऐसे ही आप अपना नेम चेक कर सकते हैं। ये इन लोगों का बहुत ही निराशाजनक रहा कि सरकार ने इनको मौका नहीं दिया। ये सारे लिस्ट हैं जो कि क्या है, जिनका मिसिंग हो गया, जो कि नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड में है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र छात्रों को छात्रों को जानकारी देना है कि जो भी छात्र हैं वो अपना फॉर्म सही से फिल, किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं चाहिए। अगर कोई भी हमसे गलती हो गई है तो आप प्लीज़ हमको माफ़ कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी क्यूरी हो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप अपना प्यार हमें यूं ही बनाए रखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप जो भी प्रतियोगी छात्र हैं अगर ये अप्लाई किए हैं तो प्लीज़ उन छात्रों तक ये ज़रूर पहुँचाएँ कि वो भी इससे लाभान्वित हो सकते और दावा आपत्ति कर सकते, सेटिस्फाई हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कि आपने इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
नमस्कार दोस्तों, जो वीडियो थोड़ा लंबा बना है, लॉन्ग हो गया है, उसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, उसके लिए भूल चूक, क्योंकि हम भी एक व्यक्ति हैं, जो भी है तो सहयोगी है, मित्र हैं, गलतियाँ किससे भी नहीं, हर किसी से होती है। तो प्लीज़ आप उस गलतियों को नज़र रख, और जो भी गलतियाँ उसको हम क्षमा करेंगे। करना ये है कि ये देखिए, बिहार सरकार पंचायती राज लेखापाल को दावा और आपत्ति के लिए जो निकला हुआ है, इसमें ध्यान देने के बाद पूरे एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कीजिए। देखिए, दिनांक 28/8/2018 से 27/9/2018 तक योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, ठीक है। लास्ट डेट 27/9 था। पंजीकृत अभिकृतियों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, मेन बात यही है, पंजीकृत अभिकृत। इसमें ड्यूली रजिस्टर्ड एंड नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड की सूची अलग अलग है। अब देखिए, जो रजिस्टर्ड हैं उनका और जो नॉन रजिस्टर्ड है उनका अलग अलग है। नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड श्रेणी के आवेदकों को ध्यान देखिएगा, नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड श्रेणी के आवेदकों को इस स्टेज के आगे विचार योग्य नहीं माना जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण यही बात है कि इस स्टेज पे अगर आप दावा और आपत्ति क्लेम नहीं करते हैं तो इसके आगे आपका जो है नेक्स्ट प्रोसेस नहीं किया जाएगा, आपको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। यही मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था हमारा आप लोगों को बताना, कि इसके आगे आपको कुछ नहीं, अगर आप दावा आपत्ति नहीं करते हैं तो जिनका रजिस्टर्ड है तो उनके लिए तो सही है कि उनको कुछ करना नहीं है, अगर चाहते भी है तो कर सकते हैं। लेकिन जिनका नहीं रजिस्टर्ड है, नॉट ड्यूली, उनको तो बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि वो दावा और आपत्ति कर दे। ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है, स्पेशल देखा जाए। अब आपके फॉर्म क्या कारण रह गए ये आप जानते हो कि आपने क्या मिसिंग किया, या तो वो शो करेगा, या आप जो भी फॉर्म फिलअप किया अपलोड नहीं किया है तो उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर दें, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए आपको समय दिया गया है 28/9/2018 से 5/10 तक, बहुत ही कम समय दिया गया है। देखिए, आज है 3 अक्टूबर, तो 28, 29, 30 और 1, 2, 3 छः दिन तो ऐसे ही चला गया, मास्ट 2 डेज लेफ्ट बचा है, ओनली 2 डेज लेफ्ट बचा है, ठीक है। तो यह हर उस नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि छट गए हैं, ठीक है। उनको एक और मौका दिया गया है, अगर ये मौका चूक जाते हैं, देखिए, तो इससे आगे विचार नहीं किया जाएगा। ये मौका अगर आप चूक गए तो आपको इसलिए ज़रूर दावा आपत्ति करें, अगर आप इस लिस्ट में है तो। इसके लिए हम प्रोसेस बता रहे हैं आपको, देखिए करना क्या है। आपको दावा आपत्ति के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक किए, जो भी आपका पोस्ट है वहाँ पोस्ट सेलेक्ट कीजिए, आपका नेम में नेम लिखे, यूजर आईडी जो आपको मिला उसको भरिए, अप्लीकेशन आईडी उसको फिलअप कीजिए, ईमेल आईडी आपने जो दिया उसको फिलअप कीजिए, मोबाइल नंबर जो है उसको फिलअप कीजिए, ये जो कोड है यहाँ पर फिलअप कीजिए, आपका जो क्यूरी है यहाँ पर लिखें, और वो भी 250 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका सॉरी फॉर डिस्टर्ब, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है उसको आप यहाँ पे अपलोड कीजिए, और मैक्सिमम आपका 400 KB नहीं होना, और हाँ PDF फाइल में होना चाहिए, आपका PDF फाइल में ही मांगा गया था। आप यहाँ पे अपना क्यूरी इस पर क्लिक करके सेंड क्यूरी भेज सकते हैं, रिसेट करना चाहते हैं फिर रिसेट कर सकते हैं। ये आपका दावा आपत्ति का फॉर्म है, ठीक है। जो भी आपका पोस्ट है इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यह हर उन नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इससे चूके तो उनको आगे अब मौका नहीं दिया जाए।
इसके पीछे जो हमने वीडियो बनाया इसी में, उसमें थोड़े से भूल चुके हैं, प्लीज आप उसको इग्नोर करके इसको उसमें शामिल कर लेंगे। और भूल चुक किससे नहीं होती है, जो भी भूल चुक हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी क्यूरी हो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज़ जो भी आए तो वो पा सकें। और उन छात्रों को तो स्पेशली ज़रूर ही भेजें जो कि अप्लाई किए हैं। अगर आप बैंकिंग, रेलवे, SSC, PCS, UPSC की प्रिपरेशन करते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने समझा।